जब तब हमारा लड़की से आता था मिलने के लिए जबरदस्ती उसको करता था जब तब हमारा लड़की से आता था मिलने के लिए और जबरदस्ती उसको करता था पढ़ने के लिए भी भेजता था तो जहाँ वो जबरदस्ती दिखाता था तो डर के मारे हम दो महीना पढ़ने के लिए लड़की के नहीं भेजे थे उसका चलते तभी भी और घर में आके गलत काम करके चारों तरफ वो लड़का शिकायत करा हमारा लड़की को पोती के साथ तो बहुत गलत काम का के घर में ढूक के कैला बोले थे ऐसा गलत बात करो तुम पोता लगेगा हमारा हमारा बच्ची नाबालिग है तुम तो समझदार है बीस बाईस साल का है हमारा बच्ची चौदह पंद्रह साल का है तुम उसके साथ में ऐसा घिनौना हरकत कर रहा है गांव समाज में ये अच्छा बात नहीं है तो धमकी देना लड़की के मम्मी है लड़की के पिताजी है लड़की के दादी है और लड़की के गाँव वाले हैं कितना दुखी है पूरा गांव वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग पुलिस प्रशासन में जाकर नहीं बोले एफ आई नहीं किए कि लड़का परेशान कर रहा है मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, है गलत भी कर रहा है दोस्तों अभी हम मौजूद हैं सीवर में जहाँ पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है सोलह साल के लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है और लड़की परेशान होकर फांसी लगा ली है आइए घर के लोगो ऐसी जानते आखिर क्या घटना है कैसे हुआ था क्या नाम हुआ आपका जी पिंकी आपके बेटी के साथ क्या हुआ है उसको टॉर्चर बार बार किए जबरदस्ती किए घर में आके कौन टॉर्चर कर रहा था बगल में का लड़का है एक सन्नी नाम है लड़का का अच्छा और जब हम बोलते तो सीना तान के वो लड़का दिखाता है। आपके घर पर लड़का आता था हाँ हमारा घर पर आते थे जब तब किसे मिले आते थे जब तब हमारा लड़की से आता था मिलने के लिए और हाँ। जबरदस्ती उसको करता था हाँ। पढ़ने के लिए भी भेजता था तो जहाँ तहाँ वो जबरदस्ती दिखाता था हाँ। तो डर का मारे हम दो महीना पढ़ने के लिए लड़की के नहीं भेजे थे उसका चलते और हाँ। तभी भी और घर में आके गलत काम करके चारों तरफ वो लड़का शिकायत करा हमारा लड़की को अच्छा। आज फांसी लगाया वो लड़का का मजबूरी से फांसी लगाया हमारा लड़की तंग आके फांसी लगाया सबका ताना सुनते सुनते गलत काम करके आपके बेटी वो लड़के से नहीं ना बात करती थी जी नहीं बात करते थे ऐसे अच्छा वो जबरदस्ती कर जबदस्ती रहा दस्ती आए थे हमारा घर में वो हाँ। चार पांच दिन जबरदस्ती हमारा घर में आके और गलत काम करा चारों तरफ हमारा लड़की को मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा था कहीं चारों तरफ शिकायत शिकायत करा दिया था वो लड़का और जब... जब तब बोलते तो सीना ताम को हमको धमकी दिखाता तो आप लोग पुलिस प्रशासन में जाकर नहीं बोले एफ नहीं किए कि नहीं। लड़का परेशान कर रहा है मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है गलत भी कर रहा है नहीं किए हम शिकायत के मारे हम लड़की के नहीं किए जो तो आपका ये गलती आप शिकायत के चलते आपका बेटी चला गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर लड़की के मम्मी का स्थिति काफी स्थिति खराब हो चुका है और यहाँ पर और पिताजी हैं उन्हें लड़की के उनसे बातचीत करते हैं क्या नाम हुआ आपका अंगद राय कहाँ घर है बेलाहिया बेलाहिया क्या हुआ आपके बेटी के साथ हमारे लड़की के साथ वही जोर जबरदस्ती जो हुआ मर गई फंदा लगा के यही सरकार से निवेदन है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए लड़की के साथ गलत हो रहा था तो उस समय आप कहा थे उस टाइम में हम बाहर में रहते थे बाहर बेटी नहीं बताई थी बेटी नहीं बताई ऐसे मालूम चला गांव समाज के आदमी से तो हम उस लड़का को भी एक बार फोन करके बतिया हम उसको बोले थे ऐसा गलत मत करो तुम पोता लगेगा हमारा हमारा बच्ची नाबालिग है तुम तो समझदार है बीस बाईस साल का है हमारा बच्ची चौदह पंद्रह साल का है तुम उसके साथ में ऐसा घिनौना हरकत कर रहा है गांव समाज में ये अच्छा बात नहीं है तो वो धमकी देना शुरू कर दिया कहा कि से हम भी कुछ बोले हम भी कहें कि से देखो इस बार आएंगे तो बहुत खराब होगा तुम्हारे साथ में तो वो कहा से कोई बात नहीं है हम तीन भाई है तीन भाई में एक भाई नहीं रहेगा तब भी चलेगा हम दुईए भाई बचेगा कोई बात नहीं है हमारा कोई कुछ नहीं कर लेगा आ, बहुत ऐसा बात बोला यही सब फिर बाद में हम लड़की को भी पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिए थे फिर उसके बाद तो आप लोग यहाँ पर गलती किए आप लोग को प्रशासन में जान, जाना चाहिए कहना चाहिए शिकायत करना चाहिए कि मेरी बेटी के साथ ही गलत कर रहा है प्रशासन में हम क्या बोले लड़की का सत्रह अठारह दिन हो गया हमारा केस लिखा है आज तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट थाना नहीं लेके आए नहीं मालूम जांच उसको नहीं किया पोस्टमार्टम का उसको रिपोर्ट लिया के देखे उसका क्या है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में केस आगे बढ़ाएर की हाँ एफ आई आर किए दोस्तों यहाँ पर देख सकते क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे पैसा वाला का सब काम करेगा गरीब आदमी का कौन साथ देगा सरकार गरीब आदमी का मदद करे हमको इंसाफ दे देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बारह से पंद्रह दिन हो गया है एफ किए हुए और पुलिस प्रशासन इस पर कुछ नहीं कर रही है यहाँ पर इनका बेटी चला गया है इनका बेटी चला गया है और बहुत ही दर्द से उस पुष्पाल बड़ा किया जाता है और यहाँ इनका आप लोग दर्द देख सकते हैं और इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ अभी तक तो कोई तो इंसाफ नहीं दिया हमको बेटी का उम्र कितना था पंद्रह साल चल रहे थे पंद्रह साल था जी पंद्रह साल बेटी का उम्र था आप लोग देख सकते हैं दिल दरा देने वाली घटना है और में केस लिखाए हाँ। मुजफ्फरपुर में हम केस लिखाए तो मुजफ्फरपुर केस आया थाना छपरा में हाँ। लेकिन एक दिन हमको आए आये यहाँ में पूछताछ करके चला गिये सब रिपोर्ट उपोर्ट लेके चला गए उसका बाद में केस आगे नहीं रहे मैडम का रिपोर्ट अभी तक नहीं लिया है हम मैडम के रिपोर्ट लियाने के लिए गए तो हमको बोला जी आपको को नहीं देगा गार्जियन को वो थाना का हाथ में देगा तो थाना जाके मैडम के रिपोर्ट ले आते केस के आगे बढ़ाते इतना बड़ा गलत काम करके वो लड़का खुला आजादी से घूम रहा है उसका क्यों नहीं हवालात में बन की उसको नहीं पकड़े नहीं अभी तक नहीं लड़का का है लड़का हिया में का है हमारा घर का पास में का लड़का है है लड़का जी क्या तो करता है लड़का पता नहीं अभी देख रहे थे बीच में स्कूल में का काम कर रहा था वो लड़का देख सकते हैं दोस्तों पहली बात है लड़का गलत किया छेड़छाड़ किया और यहाँ पर लड़की फा, ला लगाकर मर गई है और वहाँ पर पा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है और यहाँ पर लड़का जो है धमकी दे रहा है और खुलियाआम घूम रहा है जो की ऐसा नहीं होना चाहिए पुलिस प्रशासन से हम कहना चाहेंगे आप लोग सिर्फ धनी का बात सुनिएगा गरीब का बात नहीं सुनिएगा गरीब का आप लोग हल नहीं निकालिएगा हम भी दस पाँच देते तो हमारा भी काम अभी आगे चल रहा है लेकिन हम कहाँ से दे भाई हमें फोन करके करा है माइनेज कर ले उसका रिकॉर्डिंग भी मेरे अच्छा, पास गलत भी किया उसके बाद भी कि मैनेज करने के लिए बात पैसा, पैसा कुछ ले लो दस हजार ऐसे करके पैसा भी देने का ये कर रहा है सब रिकॉर्डिंग भी रखे हैं हम ऐसा आदमी को समाज में रहने का जगह नहीं होना चाहिए और ऐसा आदमी को फांसी भी देना चाहिए और यहाँ पर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है आइए लड़की के दादी भी है उनसे भी जानते हैं प्रशासन को भी हमने रिकॉर्डिंग भेजा इसा 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 है ऐसा ऐसा देखिए कह रहा है वो लेकिन पैसा कोई प्रशासन प्रशासन नहीं पैसा से, से बिके हुए है पैसा फेंके हम पर इसलिए वो चुपचाप है हम गरीब आदमी हम तो पैसा देने नहीं सक रहे इस हमारा केस का गरीब है इसलिए आपको दबाया जाए जी हमको गरीब है इसलिए हमको दबा रहे पैसा हम दस बीस हजार फेकते है तो हमारा भी केस अभी भाई आगे होता वो लड़का क्यों नहीं अभी हवालात में है उसको क्यों नहीं देना चाहिए उसको इंसाफ हमको दीजिए जल्दी हाथ पर हाथ रखने बैठाने से काम नहीं होगा सब तो इंसाफ के लिए कर रहे हैं हम सोच रहे आज इंसाफ मिलेगा कल इंसाफ मिलेगा सत्रह अठारह दिन होगी कोई अभी तक इंसाफ कोई खबर नहीं है क्यों नहीं हम ये खबर नहीं आप गरीब हैं आपका गरीब है। कोई नहीं सुनता है कोई नहीं सुनेगा तो सरकार हमको मदद करना चाहिए सरकार पुलिस थाना किस लिए गरीब आदमी का के मदद के लिए नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बचाओ और यहाँ पर आए दिन रेप हो रहा है और मारा जा रहा है और धमकी भी दिया जा रहा है लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कुछ नहीं कर रही है आइए इनके दादी है उनसे बातचीत करते है क्या हुआ है आपके पोती के साथ पोती के साथ तो बहुत गलत काम का के घर में ढूक के कैल अब हम सब बोलबो करी तो से भले तोरा सा से कुछ हमरा हाँ। माने जब गलत काम कर रहा था था तो आप लोग पर थे हाँ हम रही तो हम धीरेली से रे बउआ ऐसा गलत काम न कर घर में हमरा हमर हमारे बेटा घरे न तो कैसे जो ना जो ना तू कर तू अपन काम हमरा कहे से जो न जो न वही जगह पर वही जगह पर धीरेली से ऐसा काम ना कर तू और घर में तू इजो तो हमारे बर्बाद करे बारे या उल्टे गावे गावे लोग के छिटतो बारे मानी छौरा सके लग हैं, में हैं। की भी दे धमकी दे रहा हे चोरी भी कर रहे हैं लोग भी कर रहे हैं करे तो बस सीना चोरी कर रहा है आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से और पुलिस प्रशासन से जी हमको सरकार से पुलिस प्रशासन से ये है जो लड़का के जल्द से जल्द पकड़े हमको इंसाफ दे जो हमारा बेटी के ऐसा होगी आगे चल के कोई बेटी को नहीं हो जे एक बेटी का इंसाफ मिलेगा तो सब बेटी को इंसाफ़ मिलेगा डर के मारे जब शिकायत करेगा तो लड़की डर के मारे पढ़ने नहीं जाएगा क्यों नहीं पढ़ने जाएगा सब लड़की पढ़ेगा डर के मारे नहीं रहना चाहिए किसी को पुलिस प्रशासन और डीएम साहब से कहना चाहेंगे जो भी दोषी हो जो भी लड़की के साथ गलत किया है उसको सज़ा मिलना चाहिए और हम तो कहेंगे ऐसा लड़का को समाज में रहने का कोई जगह नहीं है और फांसी देना चाहिए और समाज से बाहर करना चाहिए और आप लोग दर्श दे सकते हैं लड़की के मम्मी हैं लड़की के पिताजी हैं लड़की के दादी है और लड़की के गाँव वाले हैं कितना दुखी है पूरा गाँव वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर क्यों नहीं दुखी होंगे आगे चलकर इनके बेटी के साथ भी हो सकता है उनके बेटी भी साथ हो सकता है लेकिन आप लोग से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन डीएम सबसे से इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए आगे चलकर ऐसा गलती कोई ना करे जय हिंद वंदे मातरम